सो गाइस जिस जिस भाई को सीखना होगा वही सिर्फ आप लोग आज का वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूछेंगे क्यों, क्योंकि एक लेवल में बहुत ज़्यादा कमेंट आया है, बहुत ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल पे कि आदित्य भाई आप कौन सा ब्रश यूज करते हो एंड कैसे आप अपने फेस को गोरा कर लेते हो एंड कैसे आप अपने फेस को फुल एचडी हाई क्वालिटी स्मूथ कर लेते हो। सो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं। तो आदित्य भाई ऐसा ट्रिक बताया ना, 2023 का सबसे बेस्ट खतरनाक फोटो एडिटिंग होने वाला है फेस स्मूथ में। तो वीडियो को लाइक फिर लाइक कर दीजिएगा, चले जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो जान आप लोग का एक ही कमेंट रहता है यार, आरडीएक्स भाई आप अपने फेस को बहुत ही ज़्यादा सुंदर कैसे स्मूथ कर लेते हो, एंड स्मूथ तो हर कोई कर लेते हैं मेरी जान, लेकिन एचडीआर स्मूथ की बात आती है ना तो फुल एचडी हाई क्वालिटी आप लोग से स्मूथ नहीं हो पाता है, वो भी एचडीआर स्मूथ फेस को कैसे हम लोग करें। तो जिस जिस भाई को सीखना होगा मेरी जान वही सिर्फ आप लोग वीडियो को देखिएगा, अन्यथा वीडियो को छोड़ करके चले जाना होगा। एंड बहुत ही कम टाइम में कुछ इस तरीके से गोरा एंड फेस की स्मूथ करना फोटो एडिटिंग सिखा दिए हैं। तो सबसे पहले ओरिजिनल फोटो को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों जैसे आप लोग शेयर करते हैं तो सिंपली आप लोग का पेंसिल आइकन मिल जाएगा, ठीक है ना। पेंसिल आइकन पे चले जाइएगा एंड यहाँ से आप लोग को डिटेल्स मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग को डिटेल्स स्ट्रक्चर सबसे फर्स्ट नंबर पर होगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर को हल्का सा माइनस में कर देना होगा, तो 37 माइनस एंड शार्पनिंग को आप लोग को 100 प्लस करके यहाँ से डन कर लीजिएगा। एंड डन करना, अभी आप लोग फोटो में क्वालिटी देखिए, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर एक एक स्टेप बताएंगे एंड बिल्कुल रियल तरीके से सिखाने वाले वीडियो में फेस स्मूथ एचडीआर कैसे करें। सिंपली इतना करना, सिंपली आप लोग को पेंसिल आइकन पे आ जाना होगा एंड शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, सिंपली यहाँ मिल जाएगा आप लोग को टोटल कंट्रास्ट, ठीक है ना जान। टोटल कंट्रास्ट पर आप लोग को क्लिक कर लेना होगा एंड हाई टोन को आप लोग देखिए, हाई टोन को 100 प्लस कर दीजिएगा एंड मीडियम टोन को आप लोग को 100 माइनस, ठीक है, 0। एंड लो टोन को आप लोग 100 प्लस एंड प्रोटेक्ट शैडो को भी 100 प्लस एंड प्रोटेक्ट हाइलाइट्स को भी 100 प्लस करके यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। सो दोस्तों देखिए अब आप लोग फोटो में क्वालिटी, ठीक है ना। बिफोर एंड आफ्टर इतना करना, फिर से आप लोग को पेंसिल आइकन पे आ जाना होगा। सो दोस्तों पेंसिल आइकन पे आने बाद अब आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए सिंपली एक ब्रश वाला आइकन रहता है, ठीक है ना। ब्रश वाला आइकन पे चले जाइएगा एंड एक्सपोजर 0.7 कर लीजिएगा एंड सिंपली यहाँ देखिए फेस आप लोग का ब्लैक है बहुत सारा, ठीक है ना। तो सिंपली कुछ इस तरीके से सिर्फ आप लोग ना अपने फेस ही के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। सो दोस्तों जैसे आप लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हल्का हल्का सा ना रियलिटी बताएं 10% आप लोग का फेस वाइट हो जाएगा, ठीक है ना। एंड जैसा आप लोग पसंद करते हैं सेम उस तरीके से नहीं हुआ है, उस तरीके से सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, तभी आप लोग एडिटिंग मेरे जैसा सीख पाएंगे। सो दोस्तों इतना करना, सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा एंड डन करना होगा। सिंपली अब आप लोग को मैं बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। बिफोर एंड आफ्टर एक बार फिर से फोकस कीजिए, कितना ज़्यादा पहले हम लोग का बेकार फोटो है। बिफोर एंड आफ्टर एंड अब हल्का सा मैनेज हुआ है, ठीक है ना। एंड इतना करना, सिंपली अब आप लोग को क्या करना होगा, सिंपली इस फोटो को शेयर कर लेना होगा लाइटरूम वाले एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं लाइटरूम वाले एप्लीकेशन के अंदर एंड एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट है आप लोग से, ठीक है ना जान। सिंपली अब आप लोग मेरे जैसे एचडीआर की तरफ फेस कैसे आप लोग बनाएंगे, तो सिंपली सबसे पहले आप लोग को लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड इसका ब्लैक्स, ठीक है ना, 42 माइनस यानी 42 एंड वाइट्स को भी यहाँ से 50 माइनस एंड शेडो को 29 प्लस, ठीक है ना जान। इतना करना, सिंपली अब आप लोग को क्या करना होगा, स्क्रॉल करके इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड मिक्स पे क्लिक करके येलो टोन, हमेशा हम इसको 0 करते हैं, ठीक है। 100 माइनस ग्रीन टोन को भी हम लोग 100 माइनस कर देते हैं सेचुरेशन। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करना, सिंपली आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। लिमिनस को हल्का सा बढ़ा लेना होगा, हल्का सा नहीं मेरी जान 100 प्लस कर देंगे, ठीक है ना। एंड सेचुरेशन को हल्का सा माइनस कर लेंगे 14। फिर से आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ करके इसका ह्यू, इसका जो ह्यू है इसको 100 माइनस करके लिमिनस को बढ़ा लेना होगा एंड यहाँ से आप लोग को डन कर लेना है। फिर से आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा एंड क्लियरिटी को 11 एंड टेक्स्चर को भी 10 एंड डिजीज को भी सिंपली यहाँ से 8 कर लेंगे। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करना, सिंपली आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा एंड नॉइज रिडक्शन को 100 प्लस, डिटेल्स को भी 100 प्लस, कलर सॉरी मेरी जान कंट्रास्ट को भी 100 प्लस, कलर नॉइज डिटेक्शन को भी 100 प्लस, कलर नॉइज डिटेक्शन, ठीक है ना, सॉरी डिटेल्स को भी 100 प्लस एंड स्मूथनेस को भी 100 प्लस। एंड फोटो में अब आप लोग क्वालिटी देखिए, ठीक है ना मेरी जान। बिफोर एंड आफ्टर एक बार फिर से देख लीजिए, बिफोर एंड आफ्टर। एंड इतना करना, सिंपली इस फोटो को हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस फोटो को शेयर कर लेंगे स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। फिर से इस फोटो को शेयर कीजिएगा स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एंड हल्का सा उसमें आप लोग को एक मैं नया ट्रिक बताऊंगा जो हर फोटो में यूज करता हूं, मैं आप लोग को शेयर नहीं किया हूं। तो सिंपली स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर चुके हैं, पेंसिल आइकन पे आ जाइएगा एंड हाँ जब भी हम फेस को गोरा करते हैं तो
तो जहाँ जहाँ पे ब्लैक आ जाता है वहाँ पे हम सिर्फ सेलेक्टिव को अप्लाई करके गोरा कर लेते हैं, जहाँ पे नहीं हुआ रहता है, ठीक है ना। इतना करना सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। एंड इस फोटो को अब आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट शेयर कर लीजिएगा लाइटरूम वाला एप्लीकेशन के अंदर। फिर से लाइटरूम वाला एप्लीकेशन के अंदर शेयर करने बाद सिंपली अब आप लोग को क्या करना होगा, सिंपली आप लोग ऑल फोटो पे आ जाइएगा। हाँ तो जान, फिर से हम लोग लाइटरूम वाले एप्लीकेशन के अंदर शेयर किए हैं, ठीक है। फिर से आप लोग को एक टूल्स यूज करना है, कलर ऑप्शन पे आ जाएगा, मिक्स पे क्लिक करके इसका सेकेंड नंबर सेचुरेशन 33 माइनस लिमलेस को हल्का सा 19 बढ़ा करके, एंड इस फोटो को शेयर कर लीजिएगा ऑटोडेस्क स्केच बुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो दोस्तों यहाँ से हम लोग शेयर कर चुके हैं। जैसे हम लोग शेयर करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोग के सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ से बैक करके हम लोग ओरिजिनल फोटो को शेयर कर लेंगे। एंड सबसे पहले हम लोग फोटो में क्वालिटी डालेंगे, ठीक है ना जान। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आकर के प्लस वाला आइकन पे आ जाइएगा, एंड सिंपली आप लोग पेंसिल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना जान। एंड ये वाला ऑप्शन आप लोग को यूज करना है। सिंपली अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस वाले ऑप्शन पे आकर के लेयर पे क्लिक करके नॉर्मल पे आ जाइएगा। एंड यहाँ से आप लोग सॉफ्ट लाइट करके कुछ इस तरीके से फोटो को जूम कर लीजिएगा। एंड सिर्फ आप लोग अपने ओठ के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना मेरी जान, क्योंकि लिपस्टिक लगता है ना मेरी जान ओठ के ऊपर, लिप्स के ऊपर, तो फोटो में यार जो चार चांद लग जाता है ना मेरी जान, कुछ अलग ही लुक लगता है मेरी जान, फोटो में कुछ अलग ही लुक देता है, ठीक है ना। ये जो हम लोग लिपस्टिक को अप्लाई करते हैं अपने ओठ के ऊपर, अभी ये नहीं रहेगा ना तो फोटो में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा एंड ज़्यादा लुक नहीं आता है, ठीक है ना। तो हर फोटो में आप लोग कोशिश कीजिए लिपस्टिक अच्छे से लगाइएगा एंड काफ़ी धांसू तरीके से दिखे, ठीक है ना। एंड अब आप लोग फोटो में क्वालिटी देखिए, इतना से ही कितना ज़्यादा अच्छा हम लोग का फोटो दिख रहा है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल आइकन पे आ जाएंगे, लाइब्रेरी में आ जाएंगे। एंड आप लोग को मैं अच्छा सा प्यारा सा ब्रश बताता हूँ जिसको मैं यूज करता हूँ फेस को स्मूथ करने के लिए। तो सिंपली आप लोग को ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस वाले ब्रश को सेलेक्ट करना है, सिंपली आप लोग सेटिंग वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा। एंड फालो को देखिए, यहाँ से मैं जितना बताऊँगा उतना ही आप लोग कीजिएगा, ठीक है। फालो को 15 एंड स्ट्रेंथ को मैक्सिमम 14, ठीक है ना जान। एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से सिंपली आप लोग यहाँ पे देखिए, बहुत भाई लोग आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है मेरे जान। सिंपली आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना रहता है एंड यहाँ पे ईस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्मोज वाला ऑप्शन रहता है, ठीक है ना जान। स्मोज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके देखिए, इसका फॉलो 9 कर लेंगे एंड इसका स्ट्रेंथ सिंपली आप लोग 19 कीजिएगा, ठीक है ना। 19-20 इसी में रहने दीजिएगा, ठीक है। एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से, एंड स्मूथ करना है ना फोटो को, तो देखिए मैं कैसे स्मूथ करके आप लोग के सामने इस डीआर में दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पे ब्लैक है तो ब्लैक जो है यहाँ से इस ऑप्शन पे आ करके एंड ओरिजिनल फोटो पे क्लिक करके, एंड ये जो ब्लैक एक ही बार में गायब हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे गायब करके मैं दिखा दिया। एंड आप लोग को स्मूथ करना है फुल HD हाई क्वालिटी मेरे जैसा, तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग ना फोकस कीजिएगा। तो सिंपली कुछ इस तरीके से जितना जल्दीबाजी में फेस को स्मूथ करूँ उतना ही ज़्यादा मेरा जल्दीबाजी में फेस स्मूथ होगा एंड कहीं पे भी ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा। एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से बढ़ा करके, एंड यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं मेरे जान पूरा फुल HD हाई क्वालिटी अपने फेस को स्मूथ कर रहा हूँ, ना तो कहीं पे ब्लैक आ रहा है ना तो वीडियो में आप लोग को झूठ बताया, ठीक है। जो भी बताया रियल तरीके से बताया, आशा करते हैं मेरे जान को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आएगा चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटेड से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच मेरे जान। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया हो तो इसके लिए सॉरी, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा फेस स्मूथ से रिलेटेड। ये वीडियो जैसे खत्म होगा 2 वीडियो चालू हो जाएगा, उस वीडियो को देखिएगा, इससे भी ज़्यादा आप लोग को उस वीडियो में समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू मेरी जान एंड जय हो सिद्ध बा।